नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गबन की साजिश रचने का आरोप पाया गया है और इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और ये मामला क्रिकेटर के पिता से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि क्रिकेटर के पिता की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें बैंक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें और उन्होंने गबन किया था लगभग 1,25,00,000 रुपए तक का, जिसके आरोपी थे वो, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि क्रिकेटर के पिता को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गबन की साजिश रचने का आरोप है उन पर और कई धाराओं में मुकदमा उन पर दर्ज था पहले से। मामले में जांच चल रही थी और अब उनकी गिरफ्तारी की गई है और क्रिकेटर के पिता के साथ गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पुलिस ने बैंक फ्रॉड केस में पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता वीके ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। वीके ओझा को बैंक ऑफ महाराष्ट्र से करीब 1,25,00,000 रुपए के गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ओझा पर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 और आईटी एक्ट की धारा 65-66 के तहत मामला दर्ज किया था और इस पर लगातार जांच जारी थी। ये 2013 का मामला बताया जा रहा है और अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए और भी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब नमन ओझा के पिता को भी गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर इस फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा, जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज थे, उनके पिता को बैंक फ्रॉड मामले में महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया है।